आज हम लोग किटोन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, जिसमें जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ओन। किटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ होता है, यहाँ कार्बन के दोनों साइड कार्बन का होना आवश्यक है। यानी कि अगर इसका हम नंबरिंग करें किसी साइड से भी तो मिनिमम जो किटोन के लिए हम मिनिमम जो नंबर होगा वो 2 होगा। तो यहाँ अगर हम इसका पहला मेंबर लेते हैं तो 1, 2 एंड 3 कार्बन से ये स्टार्ट होगा, और 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोपेन का यूज करते हैं, और उसमें हम क्या करेंगे ई को हटा के ओ एन ई वर्ड यूज कर लेंगे, जिसे हम क्या लिखेंगे प्रोपेनोन। और यहां देखिए अगर कोई सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कोशिश करेंगे मिनिमम सब्स्टिट्यूशन पे रखें, लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी क्या देंगे अपने जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन उसको। तो इसके लिए क्या है, यहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया, ये 7 कार्बन का चेन है तो इसके और थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसे हम लोग लिखेंगे 3 ब्रोमो हेप्टानोन। और यहां पे हमें पोजीशन शो करने का जरूरत नहीं है क्योंकि जो मिनिमम पोजीशन होता है कीटोन का सेकेंड पोजीशन उसी पे ये कीटोनिक ग्रुप अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। अब देखिए ये जो चेन है इसमें हम लोग क्या करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, ये 9 कार्बन का चेन है और 5th कार्बन पे जो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अगर इस तरह से हम सेलेक्ट करते 3, 4, 5, 6 ही होता और ये पूरा सब्स्टिट्यूशन में जाता, तो ऐसा नहीं करते हर समय हम लोग क्या करते हैं जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे और 5th पोजिशन पे मिथाइल है इसलिए 5 मिथाइल 9 है तो नोन ओ एन ई लास्ट में ई को हटा के ऐड कर देंगे। यहां जो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप है एंड 5th पोजीशन पे ये क्लोरीन है, क्लोरीन जो है क्लोरो इसके लिए जो यूज करते हैं हम प्रीफिक्स वो सी से स्टार्ट होगा और मिथाइल का एम से स्टार्ट होगा, अल्फाबेटिकली सी पहले आता है एम बाद में आता है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 5 क्लोरो 5 क्लोरो एंड 2 मिथाइल 6 कार्बन का चेन है इसलिए हेक्सानोन। अब देखिए अगर रिंग हो, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या करेंगे, ये कितने का कार्बन का ये साइकिल है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसे क्या लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन है क्योंकि 6 कार्बन है इसमें तो हेक्सेनोन हो जाएगा। अगर जो रिंग है उस पर कहीं सब्स्टिट्यूशन है तो हम कोशिश करेंगे कि नंबरिंग इस तरह से करें कि सब्स्टिट्यूशन को हम मिनिमम नंबर दें, अगर इस साइड से नंबरिंग करते तो ये 6 पे आता लेकिन वो फिर गलत हो जाता, क्या करना है मिनिमम नंबर देना है। इसका जब हम नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे 2 2, क्योंकि डाई 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए एक साथ डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सानोन। अब जो ये साइक्लिक कंपाउंड है ये 5 कार्बन का है, इसमें 3rd और 4th पे क्लोरीन और ब्रोमीन प्रेजेंट है, बी पहले आता है सी से, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए 5 मेंबर का इसलिए पेंटानोन। अब यहां पर देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है 6 कार्बन का और इसमें पहले और चौथे दोनों पोजीशन पे क्या है कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, सीओ ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे जब लिखना होगा तो ये पोजीशन हमें शो करना होगा, तो इसे क्या लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन 1, 4, 1, 4 डाइओन। और अगर यहां देखिए जैसे यहां सब्स्टिट्यूशन था वैसे ही यहां पर क्या है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम ऐसा काउंटिंग करेंगे कि इसको मिनिमम पोजीशन दे फंक्शनल ग्रुप के बाद, इसे अगर लिखना हो तो क्या कैसे लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो और 5 का है तो पेंट लिख देंगे, और चूंकि पेंटेन कब लिखते हैं जब सारा सिंगल बॉन्ड होता है, यहां एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए क्या लिखेंगे पेंट 2 इन एंड 1 ओन, क्योंकि
ये जो कीटोन ग्रुप है सीओ ग्रुप है वो पहले पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर ऐसा केस आ जाए कि ये जो है इसके साथ बेंजीन रिंग लगा हुआ है तो क्या कहेंगे? इसके लिए हम लोग, ये चूंकि जब डबल बॉन्ड ये बेसिक मेंबर है, केवल क्या हुआ है एक सी एच थ्री ग्रुप को हटा के हमने यहाँ बेंजीन रिंग लगा दिया, तो इसका जो कॉमन नेम क्या है, एसीटोन है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं इसका आयुपेक नेम में, एसीटोफेनो, क्योंकि इस बेंजीन रिंग पे ये सीओ ग्रुप प्रेजेंट है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, एक बेंजीन यहाँ के मिथाइल ग्रुप को हटाकर अगर दूसरा बेंजीन लगा दे तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजो फिनो। इस तरह से हम लोग कीटोन का नोमेनक्लेचर करते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप अब कीटोन का बहुत इजीली नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट किसी ग्रुप का नोमेनक्लेचर करेंगे। थैंक यू।